इंदौर एसटीएफ पुलिस ने धार जिले के राजेंद्र सूरी सहकारिता साख संस्था के चना घोटाला कांड में 93 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले में पिछले दिनों संस्था के प्रबंधक और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस इस मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें अभी 20 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने इनाम घोषित किया हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले एसटीएफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सहकारी साख संस्था में हुए 93 करोड़ के चना घोटाले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें कई आरोपी फरार चल रहे थे। संस्था के संचालक विंदेश मंडलोई फरार था, जिसे धामनोद बस स्टेशन से एसटीएफ ने कुछ महीनों पहले गिरफ्तार किया है। वहीं 93 करोड़ के चना घोटाले का मुख्य आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुरेश केशर तातेड़, जो कि राजेंद्र सहकारिता संस्था में हुए 93 करोड़ के घोटाले का मुख्य आरोपी है, वो इंदौर के प्रेमनगर क्षेत्र की एक फ्लैट में आया हुआ है, जिस पर एसटीएफ की टीम ने दबिश देकर आरोपी सुरेश केसर तातेड़ को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़ा गया आरोपी सुरेश केसर तातेड़ से पुलिस बाकी आरोपियों के बारे में पूछताछ कर रही है। एसटीएफ इकाई इंदौर को जो फरार अपराधी हैं उनके विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसमें एक उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। ये सूचना हमारे पास थी कि धार जिले का फरार आरोपी सुरेश केशर तातेड़, इसके ऊपर कुल 7 मुकदमों में 50,000 रुपये से अधिक का इनाम घोषित था और ये 2019 से ही फरार था। जो ये मामले हैं ये क्रमशः थाना राजगढ़, अमजेरा, सरदारपुर, राजोत, कुक्षी, कानवन और बाग में पंजीबद्ध है और इनमें जो श्री राजेंद्र सूरी साख सहकारी संस्था है उसमें 93 करोड़ का एक जो घपले का जो आरोप था उसमें ये वांटेड है और इनकी तलाश 2019 से ही चल रही थी। एसटीएफ इकाई को सूचना प्राप्त हुई कि इसका मूवमेंट इंदौर में है तो टीम लगाई गई थी और प्रेमनगर में एक मल्टी पे इसका लोकेशन पाया गया तो टीम ने दबिश देके इसको विधिवत गिरफ्तार कर संबंधित थाने के सुपुर्द किया। देखिए इसमें 20 से अधिक आरोपी थे। अभी एसटीएफ इकाई ने अगस्त में एक सोनू भंडारी करके आरोपी को गिरफ्तार किया था इसी इन्हीं प्रकरणों में, जिस पे 10,000 का इनाम था। फिर इसके बाद एक आरोपी विंदेश मंडलोई को गिरफ्तारी की थी जिसके ऊपर 22,500 रुपये का इनाम था और अन्य आरोपियों की भी अभी जो फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है। अभी उनकी पूरी डिटेल्स और मंगाई है और आपको शीघ्र अवगत कर। ये टोटल घोटाला करीब 93 करोड़ का बताया गया है और इसमें करीब संस्था में 20,000 करीब सदस्य थे जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है, तो काफ़ी बड़ा केस है। नहीं, ये तो धार का ही प्रकरण है, यहाँ आरोपी की सूचना मिली थी तो कार्रवाई की गई। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।